रहा है तो? जी मैम, दिख रहा है, आवाज भी अच्छी आ रही है, दिख भी रहा है जी। तो सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का पुनः एक बार उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में। और आज हम लोग वापस, जैसे आप लोगों को सूचित किया गया था, ये कक्षा पिछले सप्ताह में थी, लेकिन किन्हीं कारणवश थोड़ी मौसम खराब थी। आप लोगों को, बहुत लोगों को ज्ञान होगा कि मौसम खराब होने की वजह से कक्षा को पोस्टपोन करके आज हम लोगों ने रखा है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों लगभग 20 के लगभग विद्यार्थियां जुड़ चुके हैं, आप लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाई कक्षा में, तो इसलिए सबसे बड़ा धन्यवाद आपको। और आज की जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रश्मि रेखा जेना मैम, जो वर्तमान में जीएम जूनियर कॉलेज में कार्यरत हैं, तो मैम का मैं अपने विश्वविद्यालय और अपने हिंदी विभाग परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ इस कक्षा में विषय विशेषज्ञ के रूप में। तो मैम स्वागत है आपका एक बार, और आपसे अनुरोध है कि आप अपने विषय को आरंभ बढ़ाएं और सुर साहित्य को संबंधी आप अपनी चर्चा आरंभ कर सकते हैं। धन्यवाद मैम। सुप्रभात, इस ऑनलाइन क्लास में सबका स्वागत है। मैं सबसे पहले खेद चाहूंगी क्योंकि मैं मुझे थोड़े आने में ऑनलाइन आने में थोड़ी सी देर हो गई। फिर भी देर ही सही, शुरुआत तो होना ही था। हम आज शुरू करते हैं। आज का विषय क्या था अभिषेक जी? मैम सुर सुरदास, साहित्य हिंदी जी, साहित्य में सुरदास या सुर साहित्य। सूरदास को जाने से पहले हम ये पहले जान लेते हैं कि सूरदास किस युग के थे या किस काल के थे। सूरदास भक्ति काल के थे, भक्ति युग के, क्योंकि ये सब लोगों को पता ही होगा। और हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर चार कालखंडों में हम बांटते हैं, आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल, तो सूरदास भक्ति काल में आते हैं, सगुण धारा के कवि के रूप में आते हैं। ये हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है, इसका समय 1318 ईस्वी से 1683 माना गया है। और इस भक्ति काल को सुन काल कहा जाता है, सुन युग कहा जाता है। और हिंदी साहित्य की इस भक्ति काल को, हिंदी साहित्य में इसको सशक्त काल भी माना जाता है। इसे स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्वर्ण का मतलब है सोना, तो ना मतलब इसमें बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं, क्योंकि इस साहित्य ने हमें बहुत अच्छी अच्छी साहित्य की देन जो है इस भक्ति काल से हमको मिला है। और साहित्यकार भी बहुत ही मूर्धन्य साहित्यकार, जैसे तुलसीदास, जैसे सूरदास, जैसे महान कवि जो है इस काल में मिले हैं। ये जो भक्ति साहित्य है, किसी युग का आना एक रात में या एक दिन में ये सब तो नहीं होता है, बल्कि इसके लिए एक लंबी परंपरा होती है। थोड़ा बहुत हम भक्ति आंदोलन की ओर जाएंगे तो पूरा पूरा समय इसमें चला जाएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं बोल के आपको सूरदास के पास ले जाऊंगी। भक्ति आंदोलन जो है एक लंबी परंपरा के कारण हुआ है। कुछ राजनीतिक परंपराएं, कुछ राजनीतिक कारण, कुछ सामाजिक कारण, कुछ धार्मिक अवस्था, धार्मिक परिस्थिति जो है के कारण जो है भक्ति का उदय हुआ। क्योंकि समाज में कुछ भी होता है, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में भी बात कर रहे थे कि जो भी समाज में होता है या कहीं पर भी, विश्व में कहीं पर भी कुछ भी होता है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव रिसेंट साहित्य के ऊपर पड़ता है या समाज के ऊपर पड़ता है, चाहे किसी भी अंश में कोई क्यों ना रहता हो, थोड़ा बहुत जो है उसमें प्रभावित तो होता है। तो ये जो भक्ति युग है या भक्ति काल है, एक दिन में नहीं आया हुआ है, एक लंबी परंपरा के कारण जो है ये हुआ है। पहले क्या था कि जो राज राजा राजाओं का शासन था, जो राजा थे, तो उनका जो है शासन मुस्लिम वंशों का शासन रहा था, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। और ये जो है मतलब कहें तो ये एक विद्रोही सामंतों का भी शासन रहा। तो हो सकता है इस विद्रोही सामंत के शासन में रहकर लोग जो है कुछ अमन या शांति की ख्वाहिश रखते थे, इसीलिए शायद जो है ये भक्ति युग का जो है प्रारंभ हुआ। और सामाजिक रूप से हम देखें, उस समय की जो जाति व्यवस्था थी, दलित भावना थी, स्त्रियों की दशा जो है बहुत ही शोचनीय थी, तो निश्चित रूप से समाज में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन का आना निश्चित था। और धार्मिक रूप में भी हम देखें तो कुछ लोग जो है शाक्तों के ऊपर विश्वास करते थे, कुछ लोग
वैष्णव धर्म से प्रभावित थे, और कुछ तो ऐसे भी थे जो पुरोहित लोग थे, अंधविश्वासों का लाभ उठाते थे और लोगों को जो है इधर उधर की बातें बोल के लोगों का जो है ध्यान आकर्षित करते थे। तो इस रूप से भक्ति युग का उदय होना बहुत ही निश्चित था, और भक्ति काल के आने के बाद इन सब में परिवर्तन हुआ। राजनीतिक स्तर पर मतलब एक राजनीतिक व्यवस्था आया, जिसके कारण जो है लोगों में काफी सारे परिवर्तन हुए। देश में शांति और अमन जो है ठीक से रहा, और सामाजिक रूप से भी हम देखें कि जाति व्यवस्था, जो कि लोगों के अंदर ऊंच नीच जाति की भावनाएं थी, तो वहां पर भी परिवर्तन आया सोच में। और धार्मिक रूप से, जैसे कि हम आगे चलकर बात करेंगे सगुण धारा और निर्गुण धारा को लेकर, कि कितने प्रकार के धार्मिक भावनाएं आई और किस प्रकार से जो है लोगों में परिवर्तन आया, और साहित्यिक सामाजिक रूप में भी निश्चित रूप से परिवर्तन आया। तो ये जो भक्ति साहित्य है, भक्ति साहित्य की केंद्र में जो है ईश्वर भक्ति ही है, मूल रूप से ईश्वर भक्ति है। चाहे कोई सगुण रूप से देखता हो, चाहे कोई निर्गुण रूप से देखता क्यों ना हो, लेकिन मूल जो है, मूल भावना इसकी जो है, इसके केंद्र में जो है ईश्वर भक्ति है। भक्तिकालीन कवि जो थे वो पहले भक्त थे और बाद में कवि थे, जो कि उनकी कविता में, उनकी जो कविताओं को हम पढ़ते हैं या पदों को हम पढ़ते हैं, ये कविता, ये पद जो है उनके, इनके भक्त हृदय की उद्गार है, हम ये कह सकते हैं। तो ये भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत थी, शुरुआत ईसा से 5वीं 6वीं शताब्दी में ही हो गई थी। दक्षिण भारत के तमिल प्रांत के अलबर भक्तों की वाणियों द्वारा भक्ति का स्रोत बहने लगा था, और धीरे धीरे संपूर्ण भारतवर्ष में भक्ति का प्रचार और प्रसार हुआ। और इसलिए हम कह सकते हैं ये जो भक्ति आंदोलन है, एक देशव्यापी आंदोलन था, जिससे समूचे देश को भावनात्मक स्तर पर राष्ट्रीयता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। तो ये इससे जो है भक्ति का उदय हुआ और भक्ति का विकास हुआ। और ये भक्ति की जो धाराएं वहां से निकली, तो कितने प्रकार की धाराएं थी, ठीक है? तो ये इसमें ये हम देखते हैं भक्ति काल में दो धाराएं मूल रूप से निकली थी, सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धारा के जो कवि थे वो मानते थे कि उनके लिए उनके जो ईश्वर है सगुण स्वरूप है, मतलब जिनको हम देख सकते हैं। और निर्गुण धारा के जो कवि हैं वो मानते थे कि उनके लिए उनके ईश्वर जो है निर्गुण स्वरूप है, मतलब निराकार है और दिखते नहीं लेकिन चारों तरफ व्याप्त है। तो इस प्रकार से हम अगर सूरदास को ले, सूरदास भी सगुण धारा के कवियों में आते हैं। सगुण के भी और दो भाग थे, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा मतलब उनके लिए उनका ईश्वर राम स्वरूप है, और कृष्ण भक्ति धारा के कवि जो है वो मानते हैं उनके लिए उनके ईश्वर जो है कृष्ण स्वरूप है। तो निश्चित रूप से सूरदास जो है सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में आते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके ईश्वर जो है कृष्ण स्वरूप। ठीक है, ये जो कृष्ण के रूप है, हम लोग बहुत ही पुराणों में भी हम देखते हैं कृष्ण के स्वरूप को। तो ये जो कृष्ण के स्वरूप है, कई प्रकार के रूप भी हमको देखने को मिलता है। मूल रूप से हम देखते हैं कृष्ण के रूप को, तीन रूप, कृष्ण के तीन स्वरूप को देखते हैं। एक है योगी धर्मात्मा स्वरूप है, योगी और धर्मात्मा का रूप है, यह रूप जो है गीता के कृष्ण में चरम परिणति पाता है। दूसरा है ललित मधुर गोपाल का रूप है, जो कि संस्कृत साहित्य में इसी रूप का उत्कर्ष हम देखते हैं, और सुर साहित्य में भी हम देखते हैं उनका बाल गोपाल रूप है, और जिसमें कि वात्सल्य वर्णन भी है, और कृष्ण जो है कितने प्रकार की लीलाएं करते हैं, बाल सुलभ लीलाएं जो है उनकी देखने के लिए मिलता है। और एक है वीर राजनयिक रूप, जो कि महाभारत और पुराणों के अनेक प्रसंगों में ये दृष्टिगत होता है। तो कई प्रकार के रूप जो है कृष्ण के हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो कि वासुदेव नंदन के रूप में कृष्ण आते हैं, और धीरे धीरे उनका माधुर्य रूप यानी मधुर रूप का दर्शन होता है, जो बाल लीलाएं करते हैं, और फिर उनमें जो है उनका रूप हम देखते हैं धर्म और संस्कार के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो जिसमें कि श्री कृष्ण जो गीता में उपदेश दिए हैं, और जितने प्रकार के जो जो अच्छी बातें किए हुए हैं, जो कि आर्य संस्कृति को लेकर,
हिंदू संस्कृति को लेकर, तो उन बातों को भी हम देखते हैं। तो ये कृष्ण के रूप जो है धीरे धीरे जो है विकसित हुआ है। तो जो जब हम सूरदास की बात करेंगे, ये एक कृष्ण भक्ति धारा की एक भक्ति साहित्य में एक लंबी परंपरा चली थी। ठीक है, कृष्ण भक्ति धारा की एक लंबी परंपरा चली थी, क्योंकि कोई तो मतलब ऐसा नहीं है कि कृष्ण भक्ति धारा में सिर्फ सूरदास आते हैं और सूरदास ने ही कृष्ण के बारे में कुछ कविताएं पदों की रचना की है। तो ये जो कृष्ण परंपरा है, इनमें कई सारे कवि भी आते हैं सूरदास के साथ। तो इनमें से पहले हम देखेंगे, सबसे पहले आते हैं हिंदी कृष्ण काव्य की परंपरा को 12वीं शताब्दी के कवि आते हैं जयदेव जी, जिन्होंने गीत गोविंद लिखकर विशेष रूप से प्रेरित किया। संस्कृत में राधा कृष्ण संबंधी इनकी ये प्रथम रचना है। विद्वानों का अनुमान है कि कवि को इस रचना की प्रेरणा लोक गीतों और लोक कथाओं में मिली होगी। जयदेव जी की गीत गोविंद ये सब लोग हम जानते हैं, जिसमें वो राधा और कृष्ण जी का वर्णन है। और फिर उसके बाद इसी लोक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 14वीं और 15वीं शताब्दी में विद्यापति ने कृष्ण राधा संबंधी अपने पदों की भावधारा को ढाल दिया। मतलब विद्यापति ने भी आदिकाल में कृष्ण और राधा के जो उनकी जो संबंधी जो कृष्ण और राधा के जो संबंध है श्रृंगारिक रूप हो, श्रृंगारिक रूप को अपने पदों में जो है ढाल दिया। और धीरे धीरे इनके माधुर्य मधुर रूप को इन्होंने लोक परंपरा के रूप में जो है दिखाया। पर जब सूरदास आए भक्ति युग में, इन्होंने भी वही राधा कृष्ण को लिया, लेकिन इनमें ये फर्क था कि आदिकाल में आप लोग सब जानते हैं कि आदिकालीन जितने सारे कवि थे वो सारे राजाश्रित कवि थे और दरबारी कवि थे, और उन्होंने राधा कृष्ण का वर्णन किया, मतलब राजाओं को खुश करने के लिए, राजाओं को मतलब राजा के दरबार के कवि थे तो राजाओं को खुश करने के लिए वो रचनाएं किया करते थे। लेकिन भक्ति युग में, जैसे कि मैंने कहा कि भक्ति काल में जितने सारे कवि आते हैं वो पहले भक्त हैं और बाद में कवि हैं, तो इनकी जो कविताएं हैं, इनके जो पद है, वो निश्चित रूप से इनके भक्त हृदय के उद्गार ही हैं। तो सूरदास आते हैं विद्यापति के बाद, हिंदी कृष्ण काव्य के प्रथम बड़े कवि हैं सूरदास। सूरदास की प्रतिभा का विकास पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक बल्लभाचार्य के संस्पर्श से हुआ है, क्योंकि बल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूरदास की भक्ति जो थी दास्य और विनय भाव परक। और बल्लभाचार्य से मिलने के बाद जो है इनकी जो पद है, इनके पदों में हम सख्य भाव को देखते हैं और माधुर्य भाव को ही देखते हैं। ठीक है, तो ये बल्लभाचार्य के संस्पर्श में आने के बाद जो है इनकी जो पदों की रचनाएं उन्होंने की कृष्ण के बारे में, तो ये सख्य भाव और माधुर्य भाव पर आधारित। सुर ने गोपाल कृष्ण के गोकुल वृंदावन मथुरा के विभिन्न मथुरा के जीवन से संबंधित संपूर्ण आख्यान को सुर सागर नामक अपनी कृति में प्रस्तुत किया है। जैसे कि उनकी रचनाएं भी है, सुर सागर है, साहित्य लहरी है, सुर सारावली है, इनकी काफी सारी रचनाओं को भी हम देखते हैं। तो सुर सागर में इन्होंने पूरा पूरा जो है उनकी जो मथुरा के जीवन, वृंदावन के जीवन, गोकुल के जीवन को भी दिखाया है। भक्ति भावना के माध्यम से कथा को इस प्रकार संगठित किया है कि सुर सागर भक्ति सागर ही बन गया है। हम सुर सागर को जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि भक्ति सागर में कोई पाठक जो है डुबकी लगा रहा है। तो भक्ति भाव को भक्ति रस बनाने से सूरदास का महत्व तो जो है सर्वोपरि है। और इस प्रकार इनके और भी है, सुर सागर के बाद सुर लहरी है, सुर सारावली है, और भक्तिमाल नहीं, नाभादास कृत, वो तो भक्तिमाल है। फिर उसके बाद जो है आते हैं कुंभन दास आते हैं, मतलब इस समय हम लोग बात कर रहे हैं कृष्ण परंपरा में सूरदास, कृष्ण परंपरा में अन्य जो कवि है सूरदास के अलावा, कुंभन दास भी है, परमानंद दास है, कृष्ण दास है, नंद दास है, गोविंद स्वामी है, फिर चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास, श्री भट्ट और मीराबाई आते हैं, रस खान भी आते हैं।
पर सुरदास के बाद अगर कृष्ण साहित्य में सशक्त रूप से अगर हम किसी को देखते हैं कृष्ण परंपरा में, वो है मीराबाई। तो इस प्रकार कृष्ण परंपरा में सुरदास का स्थान हम देखते हैं। कृष्ण भक्ति धारा में कुछ संप्रदाय भी आते हैं, जिस संप्रदाय के माध्यम से इस कृष्ण भक्ति भावधारा को आगे बढ़ाया गया है। अभिषेक जी, अभिषेक जी, हेलो। जी मैम, ये जो ठीक है मिल गया, बाकी जो आपके पास है तो मटेरियल मटेरियल, हाँ थोड़ा उसको, हाँ थोड़ा उसको स्क्रीन पर लेंगे। मैं शेयर कर रहा हूँ। हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य के कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जिसके माध्यम से कृष्ण भक्ति को प्रचार प्रसार, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया है। इस संदर्भ में संप्रदाय से अर्थ है कि विशिष्ट दार्शनिक विचारधारा का प्रतिपादन करने वाला सिद्धांत, मत या समूह। परंपरा, जितने सारे जो संप्रदाय है, संप्रदाय ये मैम परंपरा है, संप्रदाय। अच्छा जी मैम, ये जो हम बहुत थोड़ा सा बताइए तो सुविधा होगी। मतलब पूरा पूरा सब चल रहा है। मतलब ये पूरा ऐसे ही चलेगा, मतलब कुछ ठीक होके नहीं रहता है। नहीं, आप बोलिए, एक सेकंड मैं रोकता हूँ। ये तो पद आ गया, एक सेकंड मैं तो करता नहीं नहीं ठीक है, ये हूँ। संप्रदाय है मेरे पास, ये संप्रदाय। अच्छा है तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, मैं देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हाँ परंपरा है परंपरा लास्ट। नहीं, परंपरा कृष्ण काव्य परंपरा में सूरदास बोल दी हूँ ना। जी, हाँ अभी संप्रदाय थोड़ा बताऊंगी, उसके बाद हम सूरदास के ऊपर जाएंगे। ठीक ठीक है, ठीक अच्छा मैं तो आप कंटिन्यू कीजिए, ये मैं जो, यहाँ हाँ देखता मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ये जो हम हूँ। लोग चर्चा कर रहे थे कृष्ण भक्ति के प्रमुख संप्रदाय, ये संप्रदाय का अर्थ क्या है? संप्रदाय का अर्थ है विशिष्ट दार्शनिक विचार। संप्रदाय मतलब एक ग्रुप, ग्रुप मतलब किसी ये जाति या किसी वर्ण को लेकर ग्रुप नहीं है। ये एक विचारधारा है, विशिष्ट दार्शनिक विचारधारा का प्रतिपादन करने वाला सिद्धांत, मत या समूह। मतलब एक विचारधारा है, विचारधारा का समूह है जो कि एक विशिष्ट मत को जो है उपस्थापित करता हो। तो संप्रदाय का अर्थ यहाँ वह नहीं जो वस्तुतः आज प्रचलित है या संकुचित रूप से हम
किसी संप्रदाय के सांप्रदायिकता का सूचक है या संप्रदाय के हिसाब से हम इसको मानते हैं। भक्ति काल में संप्रदाय का अर्थ है किसी विशिष्ट चिंतन परंपरा को विकसित और पोषित करने वाली एक विशेष पद्धति, मतलब एक स्पेसिफिक जो चिंतन है, एक परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको पोषित करने के लिए या उसको विकास करने के लिए एक विशेष पद्धति है। तो इस दृष्टि से कृष्ण भक्ति काव्य को समझने के लिए कुछ संप्रदाय की चर्चा हम करने जा रहे हैं। पहला है बल्लव संप्रदाय। यह संप्रदाय बल्लवाचार्य के द्वारा ये निर्मित है। 16वीं शताब्दी में इसको स्थापित किया गया है और इसकी भक्ति का नाम है पुष्टि मार्ग, जिसकी चर्चा हम थोड़ा थोड़ा मतलब कर रहे थे। पुष्टि मार्ग, ये वल्लभाचार्य, क्योंकि वल्लभाचार्य से मिलने के बाद ही सूरदास भी पुष्टि मार्ग, सूरदास के ऊपर पुष्टि मार्ग का प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण इन्होंने सख्य और माधुर्य भाव का जो है उनके काव्य में हम देख पाते हैं। तो ये पुष्टि मार्ग में सेवा का महत्व तो बहुत ज्यादा है। सेवा मतलब दो प्रकार की सेवा है, नाम सेवा और स्वरूप सेवा। मतलब नाम सेवा मतलब जिस ईश्वर के स्वरूप की सेवा करना, मतलब कृष्ण के रूप में हो स्वरूप की सेवा करना, और नाम सेवा मतलब उनका नाम कीर्तन करना, उनका लीला वर्णन करना, उनके नाम के बारे में वर्णन करना। जैसे कि किसी को कोई हमारे श्रद्धा के पात्र है या किसी के प्रति हमारी भक्ति भावना है, किसी को हम ज्यादा प्रेम करते हैं तो उसी की चर्चा हम करते हैं, उसकी अच्छाई के बारे में बोलते हैं। तो इसी प्रकार से कृष्ण भक्ति धारा के जितने सारे कवि हैं तो उनके प्रिय तो कृष्ण है, तो इसीलिए इन्होंने सेवा धर्म में, सेवा मार्ग में जो है, पुष्टि मार्ग में जो सेवा का महत्व तो दिया गया है, देखा गया है, इसमें नाम सेवा को बहुत ज्यादा महत्व तो दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद है एक माधव संप्रदाय। इस मत के अनुसार मध्यवाचार्य से प्रभावित हुए हैं और इस संप्रदाय में भक्ति के आदर्श को निरूपित किया गया है। नाम कीर्तन इस संप्रदाय में विशेष रूप से प्रचलित है। जो कि मतलब भगवान का नाम कीर्तन करना। उसके बाद है विष्णु संप्रदाय। विष्णु स्वामी ने इस संप्रदाय की स्थापना की और बिल्व मंगल सन्यासी ने कृष्ण कर्णामृत नामक कविता में राधा कृष्ण का यश गान किया है। उसके बाद निम्बाक संप्रदाय। निम्बाकाचार्य ने इस संप्रदाय का विकास किया है और इन्होंने भी श्री कृष्ण के संकीर्तन को विशेष स्थान दिया है और इनकी भक्ति भावना में दीनता की भावना हम देखते हैं, यानी दैन्य भाव से कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और प्रेम मूलक भक्ति से जीव का कल्याण होता है। मतलब हम दीन है, हमारे ऊपर भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद जो है होना चाहिए। ये हमारा निम्बार्क संप्रदाय। फिर उसके बाद चैतन्य संप्रदाय। चैतन्य संप्रदाय की स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने की है। और इन्होंने चैतन्य ने भागवत पुराण की भक्ति का आदर्श स्वीकार किया है। इसमें विशेष रूप से भक्ति का बहुत ही मतलब प्रचार प्रसार किया गया है। इन्होंने कृष्ण भक्ति में राधा को विशेष स्थान दिया है और यहाँ पर एक बात है कि जाति पाति का बंधन जो है बिल्कुल चैतन्य संप्रदाय में नहीं है। उसके बाद है राधा वल्लभ संप्रदाय। इसकी स्थापना जो है हित हरिवंश ने वृंदावन में की है। माधव और निम्बार्क संप्रदाय से इस संप्रदाय को विशेष आधार मिला है और इसी आधार से हित हरिवंश ने राधा सुधा निधि की रचना भी कर डाली है। इस संप्रदाय में कृष्ण प्रमुख नहीं है, कृष्ण से प्रमुख है राधा। मतलब कृष्ण से राधा को बहुत ज्यादा जो है महत्व दिया गया है। फिर उसके बाद है हरिदासी संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय की स्थापना स्वामी हरिदास ने की है और उन्हीं के साथ इसका अंत भी मानना चाहिए, क्योंकि इस संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है, क्योंकि स्वामी हरिदास ने नित्य बिहारी कृष्ण निकुंज लीलाओं का गान किया है। सखा के रूप में भी इन्होंने गान किया है श्री कृष्ण के लीलाओं का। और उसके बाद दत्तात्रेय संप्रदाय है। इस मत के अनुयायी दत्तात्रेय को अपने पंथ का प्रवर्तक मानते हैं। दत्तात्रेय का रूप तीन सिरों युक्त है, आप लोग देखे होंगे, और इनके साथ एक गाय और चार कुत्ते भी है।
दत्तात्रेय को इस संप्रदाय में दत्तात्रेय स्वयं कृष्ण के अवतार माने जाते थे। मतलब दत्तात्रेय संप्रदाय के जितने सारे भक्त थे वो मानते थे कि ये जो दत्तात्रेय है वो कोई दूसरा नहीं है, वो कृष्ण के ही अवतार है। इस संप्रदाय में स्वयं कृष्ण ही आराध्य है और भगवत गीता की परम आराधना पुस्तक जो इस संप्रदाय की है। तो विशेष प्रकार से इसका प्रचार प्रसार महाराष्ट्र में हुआ है। तो ये कृष्ण भक्ति के प्रमुख संप्रदाय है जिससे जो है कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ है। कुछ सिद्धांत है, कुछ मत है जो कि कृष्ण भक्ति भावधारा को बहुत ज्यादा सशक्त किया हुआ है। अगर हम देखते हैं सूरदास के बारे में, हम देखते हैं कि जो भक्ति भावना है, भक्ति काल में कृष्ण भक्ति जो है, कृष्ण काव्य की विशेषताओं को थोड़ा हम देखेंगे। कृष्ण काव्य की जो विशेषताएं हैं इसमें सबसे पहले जैसे कि हम देख रहे हैं कि भक्ति भावना जो है, ये मटेरियल कहाँ गया? हाँ नहीं, और थोड़ा आगे। कृष्ण काव्य की विशेषताओं को लाओ, कृष्ण काव्य की विशेषताएं। भक्ति भावना को हम यहाँ पर मूल रूप से देखते हैं। जैसे कि भक्ति युग पे सबसे मुख्य स्रोत जो है भक्ति धारा की है, चाहे सगुण धारा हो, चाहे निर्गुण धारा हो, चाहे उसमें राम भक्ति शाखा के कवि आए, चाहे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि आए, लेकिन भक्ति साहित्य में मूल रूप से हम देखते हैं इसका मुख्य है जो है वो भक्ति भावना ही है। तो सगुण धारा के जो कवि है वो यह मानते हैं कि जितने सारे जो मतलब ईश्वर को जो है सगुण रूप में देखना, ईश्वर का एक साकार रूप है। अगर बिना देखे हम, जैसे कि निर्गुणवादी कहते हैं कि बिना देखे भी हम ध्यान लगाकर बैठ सकते हैं और आंख बंद करके भी हम ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन सगुण धारा के कवि ये नहीं मानते। सगुण धारा के कवि मानते हैं जिनका रूप रंग कुछ हो, रूप रेख हो, तो उसका भी हम मतलब ऑथेंटिक कुछ हो, अगर हम उसको देखे तो निश्चित रूप से जो है हम भक्ति का स्वरूप जो है हमारे पास, जो भक्ति के स्वरूप का हम ध्यान कर सकते हैं और भक्ति की भावना जो है उसके प्रति, उस ईश्वर के प्रति जो है आ सकती है। तो इसमें ब्रह्म के जो है सगुण रूप को विशेष मान्यता दी गई है और विष्णु के बहुत सारे अवतार में से कृष्ण अवतार को बहुत ज्यादा महत्व जो है ये कृष्ण भक्ति धारा में, कृष्ण भक्ति कृष्ण काव्य में यहाँ हम जो है देखते हैं। उसके बाद जो है हम देखते हैं कृष्ण भक्ति धारा में मुख्य रूप से लीला गान को महत्व दिया गया है। लीला गान मतलब इसके वर्ण विषय जो है वो कृष्ण ही है, मतलब कृष्ण के अलावा और कुछ बोलना ही नहीं है और किसी के बारे में चर्चा करना ही नहीं है। और लीला गान मतलब श्री कृष्ण के लीलाओं का गान करना। बाल्य रूप में भी हम देखते हैं बचपन में कृष्ण कितने प्रकार के लीलाएं करते हैं और बात्सल्य भावना को भी यहाँ पर हम दिखा मतलब सूरदास ने दिखाया है। कृष्ण भक्ति धारा के अनेक कवियों ने भी कृष्ण के बाल्य जो रूप है या बाल्य जो लीलाएं हैं इनका दर्शन करवाया है हमको। तो इस प्रकार से लीला गान मतलब कृष्ण के लीलाओं का गान जो है हमें देखने के लिए मिलता है। और इसमें दार्शनिक रूप से अगर हम देखें कृष्ण भक्त कवियों के दार्शनिक विचार जो है शुद्धाद्वैतवाद के अंतर्गत आते हैं। तात्विक की दृष्टि से अगर हम देखें तो शुद्धाद्वैतवाद को ब्रह्मवाद अथवा पुष्टि मार्ग तथा अविकृत परिणामवाद भी कहा जा सकता है। ये शुद्धाद्वैतवाद में शुद्ध का अर्थ है माया के संबंध से रहित, मतलब माया से मुक्त रहना। तो माया से मतलब इस सिद्धांत के अनुसार जो है माया के संबंध रहित ब्रह्म ही जगत का कारण और कार्य है। यह ब्रह्मवाद का अर्थ सब कुछ ब्रह्म की है, जीव ब्रह्म है, जगत भी ब्रह्म रूप है। तो
और इसी से ये तीनों सत्य है। तो ये जो है पुष्टि मार्ग से जो है प्रभावित होने के कारण जो पुष्टि मार्ग और शुद्धाद्वैत बाद जो है ये दार्शनिकता में हम देखते हैं, जिसमें कि मर्यादा मार्ग है, प्रवाह मार्ग है, तीनों मार्गों की चर्चा वल्लभाचार्य यहाँ पर करते हैं। और पुष्टि मार्ग है, जैसे कि पुष्टि मार्ग में हमने कहा कि तीन सेवा का महत्व तो यहाँ पर दिया गया है। और जो है हम देखते हैं इसमें ये जो वैष्णव परंपरा है, या जो श्री कृष्ण की जो भक्ति भाव धारा को हम देखते हैं, वैष्णव परंपरा है, इसमें पांच प्रकार की भक्ति को हम देखते हैं। शांत शांत भाव भक्ति, वात्सल्य भाव भक्ति, दाम्पत्य भाव भक्ति, सख्य भाव भक्ति और दास्य भाव भक्ति, जो कि सूरदास में हम देखते हैं। वल्लभा जैसे कि आपको मैंने कहा कि वल्लभाचार्य से मिलने से पहले इनकी उनके जो पद थे, इनके जो विनय के पद हैं, उसमें दास्य भावना है, विनय की भावना है, लेकिन उनके बाद मिलने के बाद जो है पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो जाते हैं, तो ये बाद में सख्य और माधुर्य भाव इनके रचनाओं में हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये जो वैष्णव परंपरा में जितने सारे जो पांच प्रकार की जो भक्ति धारा है या भक्ति भाव है, भक्ति भाव में सूरदास में हम सख्य भाव को देखते हैं। और ये पुष्टि मार्ग में तो सेवा का महत्व है, पर पुष्टि मार्ग में तीन आसक्तियां भी है, लीला शक्ति, रूपा शक्ति और भावा शक्ति। और ये श्री कृष्ण ये सूरदास जो है इनकी कविता, इनकी जो काव्य है, इनमें हम लीला शक्ति की भावना को भक्तिकालीन कविताओं में, भक्तिकालीन जो कवियों में प्रमुख रूप से अगर रस की विवेचना हम करें, तो प्रमुख रूप से वात्सल्य और श्रृंगार रस को जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। वात्सल्य और श्रृंगार भावना को, वात्सल्य भावना तो सूरदास में हम देखते हैं, और श्रृंगार रस विरह की भावना भी हम भ्रमर गीत में भी देखते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का भी वर्णन भी हुआ है। इस प्रकार से काव्यगत विशेषताओं को हम देखें थोड़ा बहुत इसमें कृष्ण धारा में जो है हम पाते हैं। तो और भी है कि भक्ति मार्ग की जो भक्ति काल में जो भक्ति मार्ग की जो सहजता है, वो सूरदास के काव्य में हम देखते हैं कि भक्ति मार्ग की जो सहजता है और प्रेम शक्ति की जो गूढ़ता है, लोक चित्त में निराशा को इन्होंने फेंक कर रख दिया है। जैसे कि कोई इंसान जब निराश हो जाता है, और उसमें हम मतलब आदमी अगर कोई निराशा का सामना करता है, तो उसमें जो जीवन के प्रति, जीवन को जीने का जो हौसला हो उसमें कम हो जाता है। लेकिन अगर उसको कुछ दिलासा दिया जाए, किसी का सहारा वो लेता है, तो निश्चित रूप से जीवन को जीने की जो चाह है उसमें अलग प्रकार से, नई प्रकार से जो है पनप सकता है। तो ये भक्ति मार्ग में जितने सारे कवि आए हुए हैं, या सूरदास भी कहें या तुलसीदास भी हम कहें, जितने सारे भक्ति मार्गी कवि हैं, भक्ति शाखा के, भक्ति धारा के कवि हैं, ये इन्होंने लोक चित्त में निराशा को उठाकर फेंक दिया है और लोगों के जीवन में जीने की एक नई चाह जो है पैदा कर दी है। तो इस प्रकार से ये भक्ति धारा की विशेषताएं हैं। और अब हम जो है पूरा पूरा मेन सूरदास के ऊपर आएंगे। अभिषेक जी, थोड़ा सूरदास के पदों को दिखाइए। सूरदास के दो प्रकार के, एक तो सूरदास के विनय के पद आपके सिलेबस में है, आपके कोर्स में है, और उसके साथ साथ है भ्रमर गीत के कुछ पद है। सूरदास वल्लभाचार्य से मिलने से पहले उनकी जो भावना थी, दास्य और विनय भाव परक पद जो है उनकी रचनाओं में हम पाते हैं। दास्य भावना और विनय की भावना, यानी देखिए विनय के पद मतलब उसमें निश्चित रूप से विनय की भावना है और दास्य की भावना। दास्य मतलब ईश्वर
हमारे माए बाप हैं और हम उनके दास हैं। और विनय मतलब विनम्र की भावना, हम बड़ों के प्रति विनम्र है, कितना विनम्र है। तो ये भक्ति की, भक्ति हम अगर किसी से भक्ति करते हैं, किसी के, किसी को हम सम्मान करते हैं, तो निश्चित निश्चित रूप से उनके प्रति विनम्र ही रहेंगे। और हम सोचेंगे कि ये हमारे लिए महान ही, या हमारे ईश्वर हमारे लिए सब कुछ है, और उन्हीं के चरणों के नीचे हमारा जीवन है, वो चाहे तो हमारा उद्धार कर सकते हैं। उनको छोड़कर हमको कहीं जाना नहीं, मतलब संपूर्ण रूप से समर्पण, ये भक्ति युग की या भक्ति काल की सबसे बड़ी विशेषता है कि ईश्वर के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पण, संपूर्ण रूप से अनन्य प्रेम की भावना रखना, ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना। और वो कैसा अनन्य प्रेम की, न टूटने वाला, अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, अटूट समर्पण। तो इस, ये जो सूरदास के विनय के पदों में हम देखते हैं, तो इस प्रकार की जो अटूट समर्पण है, अमित विश्वास जो है, ये ईश्वर के प्रति है। और ईश्वर की भक्ति ऐसी है कि जैसे कि कोई गूंगे को कुछ अगर गुड़ खिलाया दिया जाए, और जैसे कि वो बता नहीं सकता कि वो कितना मीठा है, आप उसे पूछेंगे वो बताएगा मीठा, मतलब थोड़ा सा हाथ हिला के बता सकता है कि हाँ मीठा है, तो मतलब आप जान सकते हैं उसके रिएक्शन से, उसके कि वो मीठा बता रहा है कि हाँ वो मीठा है। लेकिन अगर उसको पूछे कि आपको कितना मीठा वो लगा, तो वो बता नहीं सकता। उसी प्रकार से जब भक्त ये अनुभव करता है कि ईश्वर की भक्ति क्या है, या ईश्वर के भक्ति रस कैसा है, या किस प्रकार की, कितनी मात्रा में वो ईश्वर के प्रति विश्वस्त, या ईश्वर उसके प्रति कितनी मात्रा में उससे प्रेम की आशीष देते हैं, या उन कितने मात्रा में जो है उनके प्रति वो समर्पित है, तो वो बता नहीं सकता। तो ये सूरदास के विनय के पदों में हम देखते हैं। और ऐसा अटूट विश्वास कि वो उनको छोड़कर हमको कहीं जाना नहीं है, मतलब वही क्या बोलते हैं उसको, हमारे लिए एंट्रेंस का द्वार वही है, और एग्जिट का द्वार भी वही है, मतलब वहीं पर जाना है और वहीं से निकलना है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं, वन वे ट्रैफिक है पूरा। हाँ, ईश्वर के पास जाना है मतलब सिर्फ स्टिक करके वहीं पर रहना है, कहीं पर जाना नहीं, कहीं कहीं जो है जाना। अगर कोई उनको छोड़ के जाता है, वो काफी सारे उदाहरण भी दिए हैं उनके पदों में, क्या है वो, जैसे कि कोई जड़मती होगा जो कि गंगा जल को छोड़कर कुआं खोदेगा, या कोई जिसको अम्बुज का रस जिसको भा गया है, कोई करेले का फल खाएगा, कोई बेवकूफी होगा जो कामधेनु को छोड़कर जाके छेरी दुहावे, वो तो कहते हैं ना वो, मतलब कोई बकरी को जाके दुहेगा। तो ये जो विनम्र की भावना है कि मेरे लिए मेरे ईश्वर सही है, और वही मेरे लिए सब कुछ है, और वही मेरे लिए मतलब मुक्ति के द्वार है, उद्धार करने वाले हैं, और उनको छोड़कर मुझे कहीं जाना नहीं है। अगर जाना है तो वापस फिर वहीं पर घूम फिर कर वहीं पर आना है, कहीं जाना नहीं है। जैसे कि जहाज का पंछी उड़कर चला जाता है, फिर वापस उसी जहाज में आ जाता है, उसी प्रकार से भक्त भी कहीं और जाता भी है। सुदास कहते हैं अगर कोई कृष्ण को छोड़कर जाता भी है, तो वहीं उन्हीं के पास आ जाएगा, सरेंडर वहीं पर करना है, क्योंकि और उनका मन अनंत कहीं पर जो है सुख नहीं पाता है। वो कहते हैं ना, अन्यत्र जो है मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे, मतलब जैसे कि उड़कर चला जाता है उसी प्रकार से जहाज का पंछी जहाज में आ जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य का मन जो है, कवि का मन जो है, कृष्ण को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जा पाता, अगर जाएगा तो वापस घूम फिर कर वही आ जाता है। तो ये उनके जो है विनय के पदों में इस प्रकार के हम बिना विनय की भावना देखते हैं, दास्य की भावना देखते हैं। और दूसरा है उनका भ्रमर गीत। भ्रमर गीत एक हम मान सकते हैं कि सगुण धारा के एक सशक्त काव्य के रूप में भ्रमर गीत को ले सकते हैं। भ्रमर गीत में भ्रमर एक भौरा, भ्रमर का अर्थ है भौरा। भ्रमर गीत का अगर शाब्दिक अर्थ को ले तो भ्रमर गीत मतलब भौरे को देख कर किया गया कान। इसके पीछे यह है कि श्री कृष्ण मतलब जब जाते हैं वृंदावन में रहते हैं, तो वहां पर उनका एक मित्र बन जाता है, वो उद्धव जो कि मंत्री था वहां पर, तो वो बहुत ही मतलब निर्गुण की बातें जो है बढ़ा चढ़ा के बोलता था,
कि निर्गुण ऐसा है, निर्गुण मतलब निर्गुण में ऐसी शक्ति है, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता था। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि ये जो निर्गुण के बारे में ज्ञान बांट रहा है, बहुत अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, तो इसका जो है हमको खंडन करना है। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ मैसेज देने के लिए जो है उन्होंने भेज दिया कि उद्धव को बोला कि आप उद्धव जी जाइए थोड़ा, मतलब मैं तो गोप कुल जो है वृंदा मतलब यहाँ पर आ गया हूँ, और गोपियां जो है मेरे बिना वहां पर कैसे रहे होंगे, तो ब्रज जाके थोड़ा घूम कर आ जाइए और मेरा संदेश भी पहुंचा दीजिए कि मैं यहाँ पर कुशल हूँ, ठीक ठाक हूँ, कुशल मंगल से हूँ। तो उद्धव जी जाते हैं और वहां पर जो है गोपियां उनको मिल जाती है। गोपियां जो है वो ग्वाल लड़कियां हैं या क्या कन्याएं हैं, तो वो तो मतलब अनपढ़ गवार है, कुछ मतलब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन उनका जो प्रेम की उनकी जो प्रेम की जो भावना है वो कृष्ण पर इतनी अटूट है कि उनको छोड़कर जो है उनका मन, उनका जो जैसे कि पूरा मानसिक रूप से वो उनका कृष्णमय जैसे वो हो गए थे, तो ये कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते, अपना तो ईश्वर मानते हैं, अपना मोक्ष कर्ता मानते हैं, अपना सब कुछ जो है कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण को छोड़कर उनको कहीं जाना भी नहीं है। तो जब उद्धव जाते हैं और ये ज्ञान की बातें बताते हैं, तो घुमा फिरा के गोपियां जो है बहुत ही मतलब बातें करने वाली है, तो वो गोपियां इनकी बातों का खंडन बड़े प्रेम से जो है उनकी बातों का खंडन जो है घुमा फिरा के जो है कर देते, मतलब पूरा पूरा ये प्रमाण कर देते कि हमारे तुमको जो कुछ कहना है भाई कह लो, या तुमको जो कुछ सोचना है सोच लो, हम कृष्ण को छोड़कर कहीं और जो है जा नहीं सकते, हमारे लिए हमारे कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण हमारे लिए परम प्रिय है, परम आदरणीय है, और उनको छोड़कर हमको कहीं जाना नहीं। तो ये जो गोपियां हैं, ये जो कृष्ण है या जो उद्धव है, ये जो चरित्र को सूरदास ने रचा, तो इसके माध्यम से इन्होंने ये सूचित किया, हमको ये बताने की कोशिश की या दर्शाया कि निर्गुण पर सगुण का विजय को उन्होंने दिखाया। सगुण धारा के कवि थे और सगुण को बहुत ही मतलब सगुण धारा को आगे बढ़ाने के लिए या सगुण धारा को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताने के लिए इन्होंने इसको दिखाया कि ये जो उद्धव है वो निर्गुण वादी है या निर्गुण धारा का है, दिमाग में उसके पूरा निर्गुण भक्ति को लेकर वो चला हुआ है, और गोपियां इसकी हर बात का खंडन करके हर जगह इन्होंने दिखाया है कि हमारे लिए हमारे कृष्ण यानी सगुण धारा के जो जो ईश्वर है कृष्ण है वो कितने महान है। तो इस प्रकार से निर्गुण पर जो है इन्होंने सगुण का विजय दिखाया, और गोपियों के वक्रोक्ति के माध्यम से, वाग् विदग्धता के माध्यम से, उद्धव के जो अहंकार है, उद्धव का जो अंधविश्वास है, मतलब वो तो पूरा अंधा ही था, वो मतलब अज्ञान ही था, तो उस अज्ञानता को जो है इन्होंने दूर किया हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सगुण का जो है विजय निर्गुण पर जो है इन्होंने दिखाया, और भ्रमर गीति जो है एक शाब्दिक अर्थ है, उसको सांकेतिक रूप से कहा गया है कि भ्रमर को देख कर किया गया गान। यहाँ पर तो भ्रमर तो कोई है नहीं, उद्धव जो है वो देखने में काला है और उसने येलो कलर का वस्त्र जो है पहना हुआ है, जैसे कि भौरे का शरीर भी पीला होता है, हाँ ये भी पीले वस्त्र पहना हुआ है, और उसको देखकर जो कि भौरे भौरा जो है मतलब जैसे कि इधर उधर घूमता रहता है, अस्थिर है, स्थिर नहीं होता है, उसी को देखकर जो है जो किया गया गान या किया गया जो की गई उनकी उक्ति है उसको भ्रमर गीत कहा गया है। और इसमें इसके भ्रमर गीत का मुख्य उद्देश्य है सगुण धारा को निर्गुण पर जो है सगुण के विजय को दिखाना। तो इस प्रकार से कई सारे इनके पद है, एक पद यहाँ पर दिखा गया है कि उधो मन माने की बात है, मन की मानने की बात है, मतलब ये मन की बात है, आपकी इच्छा आपके आपके अंदर की जो इच्छा है, आपका मन किसको कहता है कि ये अच्छा है या किसको कहता है कि ये बुरा है, अगर आपके मन के ऊपर ये विचार रख दिया जाएगा, आपको जबरदस्ती अगर कहा जाएगा ये सही है आप इसको ग्रहण कीजिए, आप ग्रहण करेंगे क्या? नहीं,
आपका मन जिसको कहेगा, आपका दिमाग जिसको कहेगा, आपका हृदय जिसको कहेगा, आप उसी को स्वीकार करेंगे, उसी को ग्रहण करेंगे। तो गोपियां भी उद्धव बार बार वो कहता है कि ये निर्गुण ऐसा है, आ ध्यान लगा के बैठो, आंख बंद करके बैठो, बिना देखे कि देखे भी आप ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। तो गोपियां इसको मानने के लिए प्रस्तुत ही नहीं थे। उनका कहना था कि मन मानने की बात है, हमारे मन की बात है। जैसे कि दाख छोरा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात। विष कीड़ा जो होता है उसके लिए दाख छोरा बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी है, अमृत फल भी है, वो नहीं खाता है, लेकिन उसका मन कहाँ पर है, विष ही खाता है। उसके मन की मन मानने की बात है, मतलब आप जितना भी उसको दो वो उसका मन किसी में अच्छा नहीं लगा। वैसे भी हमारे मन की बात है, आप चाहे जितना भी बोलो, हमारा मन कृष्णमय ही है और कृष्णमय है। हम लोग सिर्फ कृष्णमय हो गए, कृष्ण को छोड़कर कहीं हमको जाना नहीं। ज्यों चकर को देई कपूर कोई, तजी अंगार घात, मधुप करत धर कोरी काठ में बंधत कमल के पास। जैसे कि चकोर को आप कपूर देंगे, तजी अंगारा घात, अंगारा घात को जो है वो तज नहीं सकता। उसी प्रकार से मधु मधु करत घर का जो कमल के बीच में क्या होता है, भौरा, रात भर जो है वो रहता है, लेकिन रात भर जब शाम हो जाता है वो मधु पान करता रहता है, लेकिन जब शाम हो जाता है उसको मतलब पता नहीं चलता है और उसी के अंदर वो खो जाता है, और शाम होते ही कमल की पंखुड़ियां जो है वो बंद हो जाते हैं अपने आप, तो वो उसी के अंदर बंद होके रह जाता है। पर यहाँ पर कवि कहते हैं कि वो जानबूझ के वहीं पर बंद होकर रहना चाहता है, क्योंकि उसके मन की मानने की बात है, उसके मन को जो अच्छा लगता है। क्योंकि वो वही भौंरा वो लकड़ी में भी खोद के वो मतलब वो उसमें वो छेद बना सकता है, लेकिन क्या वो चाहता तो वो कमल के अंदर भी छेद बना के निकल आ सकता था, लेकिन वो जानबूझ के वहीं पर बंधन में वो बंध कर रह जाता है। ज्यों पतंग ही तजानी आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो सोईता ही सुहात। जैसे कि पतंग जानता है कि दीपक यानी जलते हुए दिए के अंदर आप मतलब दीप वो जाएगा तो वो उसी में जो है जलकर राख हो जाएगा, लेकिन वो बार बार जो है वो जलते हुए दिए के सामने जाता है और जलकर राख हो जाता है। वो उसकी मन की मानने की बात। तो सूरदास भी वही कहते हैं कि जिसको मन को जो रमता है या जिसको मन को जो भाता है वही उसी के अंदर वो रहता है, जिसको जो सुहाता है वो उसी को अपना अपना लेता है। उसी प्रकार से आपको निर्गुण सुहाता है तो आपने निर्गुण को अपना लिया, हमको श्री कृष्ण सुहाते हैं, हमने श्री कृष्ण को अपने अपना लिया, तो हम अपने मन की बात है, अपनी इच्छा की बात है, हम श्री कृष्ण को निकाल के बाहर फेंक नहीं सकते, ये अपनी मर्जी की बात है, अपनी इच्छा की बात है। तो इसीलिए हमारे इच्छा पर जो है हमारा अपना कंट्रोल है, आप चाहे तो हमारी इच्छा के ऊपर आप अपना जो है जो अधिकार है वो आप जाहिर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से सगुण धारा की सगुण विचार को सूरदास ने सशक्त रूप से दिखाने की कोशिश। और भी कुछ पद है, अगर कोई सवाल करना चाहेगा तो पद के माध्यम से या कुछ भी हो मैं समझा सकती हूँ। अभिषेक जी कोई क्वेश्चंस? जी जी मैम, अभी तो नहीं, मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि उनके कोई पद के संबंधित या अभी के व्याख्यान के संबंधित, सुर के संबंधित अगर कोई द्वंद की प्रश्न हो तो वो मैम के समक्ष रखें, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में कुछ पद वगैरह भी हैं, भ्रमर के पद हैं और विनय के पद हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप पद के संबंध में अगर आप लोगों को कोई दुविधा हो, कुछ ना समझ में आए, तो वो भी मैम के समक्ष आप लोग रख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि आप लोगों को कोई अगर प्रश्न हो इस व्याख्यान से संबंधित, या आप लोगों के कोर्स में विनय के या भ्रमर के कुछ पद भी हैं जिससे आप लोगों को पढ़ना है, तो उसके संबंधी भी अगर आप लोगों को कोई प्रश्न हो
तो कृपया करके यहाँ पे अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। आप लोग चैट बॉक्स के माध्यम से लिख करके भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, या अगर आप लोग को असुविधा हो रही हो चैट बॉक्स के माध्यम से प्रश्न पूछने को, तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके भी अपने प्रश्न मैम के समक्ष रख सकते हैं। मैम एक प्रश्न आया अभी प्रभास जी ने पूछा है, वो लिखते हैं कि सुर के लेखन में ऐसा कुछ है क्या जो कृष्ण भक्ति ना हो, मतलब कृष्ण भक्ति के इतर भी उन्होंने कुछ लिखा है क्या, ये उनका प्रश्न है। आपकी माइक मैम म्यूट है, कृपया अपने माइक को अनम्यूट करें। नहीं मैम आपका आवाज नहीं आ रहा, अपने माइक को म्यूट करें मैम, आपका अनम्यूट करें। आप जहां पे कॉल एंड करने का बटन है उसी के देखिएगा राइट लेफ्ट में एक होगा माइक टाइप का बना होगा। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी माइक में म्यूट है, आपकी वीडियो दिख रही है हमें, हम आपको देख पा रहे हैं, बस सुनाई नहीं दे रहा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मैम आपसे अनुरोध है कैमरा को थोड़ा सा नीचे करेंगे कि आप, हाँ, बस बस जी मैम अब बेटर है। नहीं मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। निशांत काइंडली हेल्प, काइंडली गाइड मैम, मैम को ठीक है गाइड करूँ वो तंकस आवाज था सुनी। हाँ यस मैम, और ऊपर जो देखो तो 3टा बटन अच्छी मैम। हेलो हेलो अभिषेक सर, मुझे कॉल करी कि तंकर से कुछ अलग कुछ हाँ अपन कॉल करते हैं। चलिए लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है मैम को जुड़ने के लिए। अच्छा मैम दोबारा जुड़ चुकी हैं।
अच्छा हाँ मैम, आ गई असला आ गई, आपकी आवाज अब आ रही है। असला असला आ गया ना हाँ मैम आ गया। असला असला असला। अच्छा ठीक है, मुझे ईयर फोन का दे दो। अच्छा हेलो, हाँ मैम आ रही है आवाज। हाँ आ गया तो जी 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 असला मैम, उनका असला जी मैम प्रभास जी का प्रश्न ये था कि सुर ने कृष्ण भक्ति के इतर भी कुछ रचनाएं की है क्या, उनके साहित्य में कृष्ण भक्ति के इतर भी कुछ देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, ये उनका प्रश्न था। जो ये सूरदास जो है, सूरदास जो है कृष्ण भक्ति धारा के ही कवि हैं, तो जिनकी जितनी मतलब उनके काव्य, ये कृष्ण काव्य धारा में एक विशेषताएं हैं कि लीला गान करना, मतलब कृष्ण का ही लीला गान करना। तो सुर साहित्य में जितनी सारी मतलब उनकी रचनाएं हैं, चाहे वो सुर सागर हो, साहित्य लहरी, सुर सरावली जो भी है, तो सब में जो है उनके कृष्ण परक रचना ही है। कृष्ण को छोड़ के उनकी जितने सारे विनय के पद है या भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत में तो कृष्ण का कृष्ण ही आते हैं और कृष्ण के लीलाओं का गुणगान जो है गोपियां करते हैं, या कृष्ण कितने महान है, या कृष्ण की के प्रति उनके मन में जितनी प्रेम है या जो श्रद्धा कृष्ण के प्रति रखते हैं, ये भी उन्होंने गोपियों के माध्यम से बताया है। मतलब मूल रूप से सगुण काव्य को, सगुण भक्ति को प्रतिष्ठा करना जो है भक्ति के लिए मिलता है, क्योंकि ये तो काव्य मतलब भक्ति साहित्य की कृष्ण धारा की ये विशेषताएं हैं कि इनमें कृष्ण रूप का वर्णन ही है। उनको छोड़ के जो है सूरदास के काव्य में तो कृष्ण को छोड़ के कृष्ण ही टॉपिक है, कृष्ण को छोड़ के तो और कुछ वर्णन ही नहीं है। जी मैम, जी मैम, इसके इतर मैम और एक प्रश्न है। साई कृष्ण मलिक जी ने एक प्रश्न पूछा है कि सुर साहित्य की विशेषताएं क्या है। सुर साहित्य की विशेषताएं जो कि मैंने कहा आपको, उनकी कृष्ण भक्ति परक रचनाएं हैं और कृष्ण की लीला गान है। तो मेरे पास तो मटेरियल भी नहीं है, आपके पास तो है सारा, थोड़ा शो कर दीजिए उनको, पेज नंबर बता दीजिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। भावगत विशेषताएं हैं, शिल्पगत विशेषताएं हैं, काव्य रूप, काव्य की भाषा और छंद, अलंकार और भाव में तो भक्ति भावना है, प्रकृति सौंदर्य है, ये सब भी कहा ना, जी भक्ति का स्वरूप, वर्ण विषय, वर्ण विषय तो कृष्ण ही है। और दो तीन सवाल शायद है। जी मैम, जी मैम, सवाल कुछ है, मैं आप अगर ले सके सवाल तो लीजिए, तब तक मैं ये प्रेजेंट कर देता हूँ। उन्होंने जो विशेषताएं की प्रश्न की है, उसे मैं तब तक प्रेजेंट करता हूँ।
अच्छा, इन्होंने कुछ पूछा है सागरिका स्वाई ने, जी पिरहनी गोपियों और उद्धव के बीच के संवाद को गोपियां उद्धव के योग ज्ञान पर व्यंग करती है, इसके बारे में कुछ समझाइए। इनके इनके जो पद है भ्रमर गीत के, को थोड़ा शो कर दीजिए, जी मैं मैम। समझा सकती हूँ। मैम दिख रहा है भ्रमर गीत के पद वगैरह? हाँ, ये दिख रहा है, जी ये तो मैंने कहा उद्धव मन माने की बात है। उसके बाद गोपियां और उद्धव का संवाद जो है, और कहाँ आ गया? ऊपर ऊपर थोड़ा और थोड़ा। ये तो श्री कृष्ण कहते हैं। और एक पद था शायद, मन नाही दस बीस, ऐसा कुछ था क्या? यही है मैम, ये उधो मन ना ही दस हाँ बीस एक पूछो तो सो गया हाँ श्याम हाँ सजित। हाँ जी हाँ जब उद्धव आते हैं और उनसे जो गोपियों से कहते हैं कि मन में आप ध्यान करोगे तो निर्गुण ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं, तो ये बताते हैं गोपियां अपने संवाद से बताते हैं कि क्योंकि वो तो निर्गुण की प्रतिष्ठा करना चाहता है और सूरदास गोपियों के माध्यम से सगुण की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। तो गोपियां कहती है उद्धो मन नाही दस बिस, तुम तो बोल रहे हो कि हाँ मन से ध्यान करोगे, लेकिन क्या करे, हमारे पास एक ही मन है, हमारा हमारे पास तो 10-20 मन नहीं है। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग हो आराध्य ईश। अब एक ही मन था हमारे पास, और वो भी क्या हुआ, कृष्ण जब गए तो उसको साथ में लेकर चले गए, तो एक हूँ तो गयो श्याम संग को आराधु, हमारे पास तो और कोई मन ही नहीं है। अगर 10-20 मन होते तो हाँ एक श्री कृष्ण ले गए, हाँ वो ठीक है, फिर बाकी तो बाकी जो बचे हैं तो बचे कुचे मन से काम चला लेते, लेकिन हमारे पास तो एक ही मन था और जो कि श्री कृष्ण अपने साथ ले गए हैं, और कोई मन तो नहीं है, तो फिर किस मन से हम ईश्वर की आराधना करेंगे। तो इसीलिए तुम ये जो टिप्स दे रहे हो, मन से ध्यान लगा के बैठोगे, ध्यान धारण करोगे तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, तो ये काम तो नहीं हो सकता। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु जीव देहु बिन शीश, हमारी सारी की सारी इंद्रिया केशव के बिना, श्री कृष्ण के बिना सब शिथिल पड़ गई है। जीव देही बिनु शीश, जैसे कि शरीर के बिना शीश, श्वासा अटकी रही आशा लगी जीव ही कोटि बरिस। और हमारे प्रेम में, गोपियों की प्रेम में देखिए, जो समर्पण की बातें हम कर रहे थे, जो अटूट विश्वास की बातें कर रहे थे कि हमें, हम अगर किसी के प्रति, हमारे आराध्य के प्रति हम जिसे प्रेम करते हैं, उस प्रेम में ऐसी शक्ति है, उस प्रेम में ऐसा विश्वास है कि हमें उसके प्रति इतना विश्वास हम रखते हैं कि जो भी हो जाए हमारी रक्षा करने के लिए वो जरूर आएंगे। तो वो भी बता दें, श्वासा अटकी रही आशा लगी, हमारी सांसें जो है वो अटक के रहे हैं, और ये इस आस के साथ, इस आशा के साथ जीवा ही कोटि बरिश, कोटि कोटि बरस तक भी हम, हमारी जीव जो है इसी आशा में है कि कृष्ण आएंगे और हमारा उद्धार होगा। जब से कृष्ण का दर्शन हम जब करेंगे तब जो है, तब जाके हमारा कुछ हो सकता है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस, तुम तो श्याम सुंदर के कृष्ण के सखा हो और सकल जोग के ईश हो। जोग की बातें करते हो, सारी की सारी जोग की बातें तुमको पता है। सूरदास रसिक की बतिया और नहीं जगदीश, और तुम जानते हो कि तू ये जो हमारे मन को जो है, सूरदास की, सूरदास कहते हैं श्री कृष्ण की जो रस भरी बातें हैं,
श्री कृष्ण की जो रस भरी बातें हैं वही हमें हमारे लिए प्रिय है, जिसको छोड़कर हम कहीं और नहीं जा सकते। तो इसीलिए हमारे जो जीव है, हमारे जो प्राण है, वो हमारे शरीर को जो है, जब तक हम सुर की बातों को ना सुने, जब तक हम श्री कृष्ण की बातों को ना सुने, जब तक हम श्री कृष्ण को ना देखे, तब तक जो है हमारी ये प्राण, हमारे ये जो प्राण है वो अटक के रहेगी। तो इसीलिए ये जो तुम बातें कर रहे हो, ये ध्यान धारण करने के लिए हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हम करेंगे, हमारे पास एक ही मन है और भी श्री कृष्ण ने उसको ले लिया है। तो इसीलिए हमको पूरा पूरा जो है स्टिक करके रहना है। कहाँ रहना है? सगुण धारा में रहना है, और वो भी कृष्ण प्रेम में डूब के रहना है। कृष्ण को छोड़कर कहीं हमको जाना नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो संवाद है आपके सिलेबस में, तो 3-4 पदों को रखा गया है, पर भ्रमर गीत तो पूरा पूरा एक काव्य है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। पूरा भ्रमर गीत में आप देख सकते हैं कि उद्धव और गोपियों में किस प्रकार से वाद विवाद होते हैं, संवाद होते हैं, और उन संवादों के माध्यम से किस प्रकार से गोपियां अपनी उक्ति को, अपने तथ्य को बिल्कुल स्पष्ट करके, स्पष्ट रूप से उसको प्रमाणित करना चाहते हैं कि हमारी भक्ति, हमारा प्रेम है जो सबसे महत्वपूर्ण है। और कुछ? जी मैम, जी मैम, एक प्रश्न प्रभास जी लिखते हैं, वो पूछते हैं कि सूरदास तो बचपन से, तो मतलब से साहित्य में जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि अंधे थे और वो देख नहीं सकते, तो फिर वो कैसे प्रकृति को तुलनात्मक रूप से कृष्ण भक्ति काव्य में रचते हैं? अच्छा, ये जो है देखिए, कुछ लोग ये मानते हैं कि सूरदास के जीवन वृत्तांत में, ये हम लोग भी पढ़े हुए हैं, देखे हैं कि सूरदास बचपन से अंधे थे। इनकी ये जो अंधेपन को लेकर काफी सारे जो है विवाद भी हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बचपन से अंधे नहीं थे, बाद में चलकर अंधे हुए। लेकिन अगर हम साहित्य की दृष्टि से देखें कि ऐसा एक मूर्धन्य साहित्यकार, ऐसे एक भक्त कवि जो भक्ति काल की देन से, भक्ति काल से हमें ये प्राप्त हुए हैं, तो इतने बड़े जो साहित्यकार है वो कभी अंधे हो सकते हैं क्या? इसीलिए इनकी अंधेपन को लेकर तो विवाद है, लेकिन ये निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि सच्चाई इसमें है क्या। पर हम उनकी काव्य रचना को अगर हम देखें, कृष्ण भक्ति के काव्य को हम ये देखें, तो हम ये कतई नहीं कह सकते कि मतलब वो अंधे है, क्योंकि उनका साहित्य जो है वो सबसे ऊपर है। जी मैम, अच्छा, इसीलिए इसके वो लिखे हैं, फिर वो कैसे प्रकृति को तुलनात्मक रूप में लिए और कृष्ण भक्ति काव्य, इसीलिए तो उनके साहित्य को देखने के बाद हमें ये बिल्कुल विश्वास भी नहीं होता है कि हाँ, इतने बड़े साहित्यकार, इतने बड़े भक्त कवि कभी अंधे हो सकते हैं। जी मैम, निश्चित मैम, इसके इतना तो और कोई प्रश्न नहीं है, तो मैं विद्यार्थियों से और अनुरोध कुछ, ये करूंगा। दो लाइन है सागरिका स्वाई जी ने लिखा है, पंक्ति है जोग ठगोरी ठगोरी ब्रज नबी। अच्छा, ये वो जो व्यापार लेके आए हैं उद्धव जी, वो इसीलिए मतलब जी वो जी पद है शायद उद्धव के जो कि ज्ञान हाँ के व्यंग करते हैं उसी के संदर्भ में दो पद उदाहरण के तौर पर लिखे कि हैं। अरे हाँ, उद्धव को कहते हैं कि देखो देखो, तुम ये जो निर्गुण की जो व्यापार लेके आए हो ना, मतलब बोझा लेके आए हो, यहाँ पर बेचोगे हमको, जो है फंसाओगे अपनी मीठी बातों में। और हम जैसे कि कोई व्यापार करने के लिए आता है, वो क्या करता है? अपना माल दिखाता है और माल की जो विशेषताएं है वो बताता है कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे ऐसे फायदे मिलेंगे। तो वो भी उद्धव भी अपनी निर्गुण की बातें बता रहा है और वो फायदे भी लोगों को बता रहा है कि आप इसको लो और इससे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हो सकता है, बिना देखे भी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो गोपियां कहते देखो भाई, तुम ये जो ठगरी ब्रज में लेके आए हो, वो मतलब अपना बोझा लेके आए हो, ये जो जोग रूपक बोझा लेके आए हो कि सोच रहे हो कि यहाँ पर व्यापार होगा, तो यहाँ पर एक भी चीज तुम्हारी बिकेगी नहीं। तो ये जो व्यापार है ना तुम्हारा, तिहारो उधो ऐसो ही फिरी जाई, जैसे लेके आए हो वैसे ही तुम वापस लेके जा सकते हो। यहाँ पर कोई एक ऐसी कोई गोपियां नहीं है हमें से कि तुम्हारी इस बातों में आ जाए, तुम्हारी बातों में फंस जाए और इस बातों को ग्रहण कर ले कि हाँ, हमारे लिए निर्गुण जो है वो सही है। हम लोगों के दिमाग में सगुण सही है, हम लोगों के पास हमारी चीजें हैं, हम दूसरों की चीजें क्यों ले? तो इसलिए तुम्हारी ये जो व्यापार है ऐसे ही वो वापस चला जाएगा। जी मैम, जी मैम, निश्चित तौर पर। इसके इतर विद्यार्थियों, अगर आपके कोई द्वंद हो, कोई प्रश्न हो, तो आप अपने पूछ सकते हैं, अन्यथा चूंकि समय भी होता जा रहा है, तो हम कक्षा को समापन की ओर लेकर के जाएं। तो अंतिम 1-2 मिनट में आप लोगों को देता हूं कि आप लोगों की कोई भी बात करनी हो इस व्याख्यान से संबंधित, कोई
कोई बात रखनी हो तो आप कह सकते हैं। जी मैम, इसके तरह मैम को कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है तो मैम हम समापन की ओर बढ़ते हैं और इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आपने अपना समय दिया। विद्यार्थियों से क्षमा कि थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत हुई शुरुआत में बीच में, तो इसके लिए विद्यार्थियों से भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। निशान जी का हाँ, बहुत बहुत मैं धन्यवाद। भी थोड़ा हाँ नहीं देरी से मैम, आई, आपको आपकी ज्वाइन की। टेक्निकल चीजें होती है तो उसमें कभी कभार दिक्कत होती है, उसमें कोई ये नहीं है मैम। तो जी, हाँ निशान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज के हमारे तकनीकी सहयोगी थे। तो धन्यवाद निशान जी। बिल्कुल विद्यार्थियों बिल्कुल, का धन्यवाद क्योंकि उनके वजह से ही कोई कक्षा पूर्ण होती है। तो सबसे बड़ा साधुवाद धन्यवाद विद्यार्थियों को कि उन्होंने अपना समय दिया। पुनः एक बार धन्यवाद मैं डॉक्टर रश्मि रेखा जना मैम को करूंगा कि उन्होंने अपना समय दिया, फर्स्ट आपने समय दिया क्योंकि अभी कॉलेजेस वगैरह भी खुल चुकी हैं तो उसके उपरांत ही मैम ने अपना समय दिया। इसलिए मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपको अभिषेक जी, और बच्चों को भी विद्यार्थियों को भी धन्यवाद क्योंकि वो सहयोग दिए, हमारे साथ रहे। क्योंकि जैसे कि कबीर जी ने भी एक बार कहा है कि गुरु भी उतना महान नहीं हो सकता जब तक जो है विद्यार्थी उनके साथ नहीं रहेंगे। तो इसीलिए ये जो और कुछ एक सवाल आया है शायद, नहीं मैम, धन्यवाद विद्यार्थियों ने लिखा आपको। नहीं कुछ इन्होंने लिखा है, सुदास के काव्यगत विशेषताओं के बारे में जानकारी दीजिए मैम। वो तो है उनके नहीं वो मटेरियल में तो होगा। अभी नहीं, वो दे दी आप, वो सब हो चुका है, वो प्रश्न मैंने उठा चुका हूँ मैम, आपने शायद अभी अच्छा अच्छा देखा होगा। अच्छा जी, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। हाँ तो इसीलिए बिना विद्यार्थियों की भी कक्षा बिल्कुल अधूरी है। और टेक्नीशियन जो हमारे निशांत जी हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि उन्होंने काफी मदद की, बिना उनके तो हम लोग अंधे ही है। कुछ जी बिल्कुल काम के ही बिल्कुल नहीं है, मोबाइल सिर्फ ग्रीन बटन दबाना और रेड बटन दबाना। हाँ लेकिन ये टेक्निकल जो बातें हैं वो तो मास्टर हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम। मैम आप चाहें तो और अपनी ओर से इस कुछ? कॉल को एंड कर सकती हैं मैम। धन्यवाद मैम, जी जी आप ठीक चाहें तो एंड कर सकती हैं इस कॉल को अपनी ओर से। हाँ विद्यार्थियों, आप लोगों से अनुरोध है कि चैट बॉक्स में निशान जी ने एक फॉर्म भेजा होगा तो आप लोग उसे क्लिक करके लिंक करके भर के उस फॉर्म को भर दें जिससे कि आप लोगों के फीडबैक वगैरह मिलते रहे तो कक्षा में कुछ बेहतर करने में हमें सुविधा होती है। सागरिका स्वामी जी धन्यवाद लिख रही हैं। जैसे सागरिका स्वामी जी के बारे में विद्यार्थी आप लोगों को बता दूं, ये हिंदी साहित्य में भक्ति काल पे बहुत अच्छी पकड़ रखती हैं। तो सागरिका जी धन्यवाद कि आप निरंतर कक्षा में जुड़ती होती रहती हैं। आपका मैं स्वागत करता हूं। अगर आप भक्ति काल के संबंध में कुछ बातें, कुछ अपने ज्ञान, कुछ दृष्टि देना चाहें बाकी विद्यार्थियों को भी तो आपका स्वागत है क्योंकि आप निरंतर रूप से कक्षा में जुड़ती हैं, कक्षाओं को सुनती हैं, बहुत अच्छे प्रश्न वगैरह भी पूछती हैं और हिंदी साहित्य के भक्ति काल पे आपकी पकड़ भी बहुत अच्छी है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जानता हूँ तो अगर आप अपने हल्का फुल्का ज्ञान यहाँ पे विद्यार्थियों को हमें दे पाए तो हम सभी लोग बहुत लाभान्वित होंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा अगर आपकी इच्छा हो तो, अन्यथा कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप मेरी अनुरोध है कि जब भी आपको समय मिले भक्ति काल पे एक दो कक्षाएं आप भी लें। जी विद्यार्थी, तो बहुत बहुत का आज की इस कक्षा यहीं पर समाप्त होती है और आप लोगों का कक्षा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। निरंतर इस रूप में कक्षा में सम्मिलित रहिएगा। आप लोगों से विशेष अनुरोध, कल दोपहर को 3:30 बजे कक्षा है डॉक्टर राजेश कुमार गर्ग सर की, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसे प्रयागराज भी आप लोग नाम से आजकल जानते हैं, वहाँ के एसोसिएट प्रोफेसर है राजेश कुमार, डॉक्टर राजेश कुमार गर्ग सर, और मेरे बहुत प्रिय सर हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कल की कक्षा अवश्य करें और कल की कक्षा जो है वो भारतीय काव्य शास्त्र के संबंध में उसके ऊपर है जो आप लोगों के MA HD के तृतीय छमाही के पाठ्यक्रम है। इसी के साथ ये कक्षा यही समाप्त होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से अनुरोध है कि छुट्टी का समय है, महामारी का दौर है, घर पे ही रह रहे हैं तो खूब पढ़ें, अपना अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।